पथरी माला के कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। इसमें अलग अलग साइज में अवेलेबल होती हैं, कुछ 6 से 7 mm की भी होती हैं, कुछ बड़ी भी होती हैं। तो ये हमने अवेलेबल करवाई है, देख सकते हैं दोस्तों, ये पथरी माला है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री शंभु। आप सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज रुद्राक्ष के विषय में अनदर वीडियो लेके आए हैं, रुद्राक्ष माला। रुद्राक्ष माला के विषय में हमने बहुत सारे वीडियोस वगैरह बनाए, समय समय पर जो हमारे पास नई रेंज नई क्वालिटी की जो माला अवेलेबल होती है, हम आप लोगों के लिए उसका वीडियो के माध्यम से जानकारी लेके आते हैं। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लेके आए हैं रुद्राक्ष के अंदर पथरी माला। पथरी माला के विषय में बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, तो मैं बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूं दोस्तों। पथरी माला में जो रुद्राक्ष के जो बीड्स की जो क्वालिटी होती है कंपेयर टू द रेगुलर रुद्राक्ष, जितने भी जो अपने पंचमुखी इंडोनेशियन रुद्राक्ष आते हैं उसी में कुछ दाने सुपीरियर वन होते हैं, जिसे कि उनका जो वेट है वो कंपेयर टू रेगुलर बीड से थोड़ा ज्यादा होता है। उसके ऊपर का जो सरफेस है वो रेगुलर बीड से थोड़ा बेहतरीन क्वालिटी का होता है, उसका शेप काफी डिफरेंस होता है रेगुलर बीड से। जब आप रेगुलर माला को और पथरी माला को जब दोनों हैंड में आप रखते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है, एक जजमेंट लग जाता है कि हाँ ये कुछ अलग रुद्राक्ष है। पथरी माला सुपीरियर वन भी मानी जाती है, अवेलेबिलिटी इसकी कम रहती है दोस्तों, तो प्राइस जो रेगुलर रुद्राक्ष है उससे कई गुना हाई होती है। पथरी माला के जो बीड्स हैं बहुत बेहतरीन रहते हैं, लॉन्ग टाइम तक क्रैक्स नहीं पड़ते हैं उसके अंदर, टूटने के चांसेस कम होते हैं, एनर्जी का जो लेवल है वो भी काफी अच्छा माना जाता है दोस्तों। ऐसी मान्यता है कि अगर आप लंबे समय तक अगर कोई माला से जाप करना चाहते हैं या गोल्ड या सिल्वर में अगर आप कोई माला बनवाना चाहते हैं तो आप पथरी माला का ही प्रयोग करें। पंचमुखी पथरी माला के अंदर जो बीड्स आते हैं बहुत बेहतरीन होते हैं, आप उस माला को सिल्वर में या गोल्ड में 54 बीड्स, 63 बीड्स, 72 बीड्स, 84 बीड्स, 108 बीड्स, इस तरह से अलग अलग नंबर्स में आप माला का गंठन करवा के सिल्वर या गोल्ड के अंदर आप धारण कर सकते हैं। आप गोल्ड में एक अच्छी माला बनवाने जा रहे हैं, क्योंकि गोल्ड में जब आप माला बनवाते हैं तो काफी एक्सपेंसिव हो जाता है, 15-20 ग्राम, 25-30 ग्राम तक का गोल्ड यूज हो जाता है, तो उसका लेबर भी काफी लग जाता है। तो उस टाइम अगर आपको सुपीरियर रुद्राक्ष नहीं मिला, फिर बाद में आपको सुपीरियर रुद्राक्ष मिलता, फिर आपको ऐसा फील होता है यार मैंने अच्छा वाला रुद्राक्ष लिया होता तो लॉन्ग टाइम तक मुझे दोबारा रीमेकिंग नहीं करवानी पड़ती। तो एक ही बार में आप एक अच्छी माला लीजिए, थोड़ा प्राइस हाई पे करना रहेगा डेफिनेटली आपको, अगर अच्छा प्रोडक्ट आप लेने हैं सुपीरियर रुद्राक्ष के लिए आप जाते हैं तो डेफिनेटली जो प्राइस है वो थोड़ा आपको एक्स्ट्रा पे करना रहता है, लेकिन एक अच्छा बीड्स मिल जाता है। आज के वीडियो में कुछ पथरी मालाएं हमारे पास अवेलेबल हुई है और नई रेंज भी हमारे पास बहुत बेहतरीन आ रही है, तो आज हम पथरी माला का वीडियो बना रहे हैं, आपको दिखाते हैं उसमें किस टाइप की माला आती है। और एक रुद्राणी भी आती है जो शक्ति का स्वरूप माना जाता है, स्त्रियां जो स्पेशली जो धारण करते हैं वो रुद्राणी माला करती है। तो रुद्राणी और पथरी माला जो इंडोनेशियन है दोनों का आज के वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। चैनल पर नया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि समय समय पर हम रुद्राक्ष के विषय में अलग अलग वीडियोस वगैरह बनाते रहते हैं और आप लोगों तक उसकी जानकारी लेके आते हैं। आज के वीडियो में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे नए नए जो वीडियोस हम अपलोड करते रहे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप समय समय पर रुद्राक्ष के विषय में अवेयरनेस ला सकते हैं वीडियो देख के कि हाँ इस प्रकार के रुद्राक्ष आते हैं। तो हमारा जो एक ही मोटिव रहता है कि आप लोगों तक रुद्राक्ष की राइट इंफॉर्मेशन पहुंचे, एक ऑथेंटिक रुद्राक्ष आप तक पहुंचे और रुद्राक्ष को जजमेंट जज करने का या आइडेंटिफाई करने का जो एक बेसिक आइडिया है आप लोगों तक हो या आपके पास हो, तब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे हाँ मुझे ये रुद्राक्ष की माला लेनी है या ये रुद्राक्ष लेना है। तो दिखा देता हूं दोस्तों आज के वीडियो में आपको, ये जितने भी जो मालाएं दिख रही है डेस्क के ऊपर जो मैंने डिस्प्ले की है, ये सारी पथरी माला के कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। इसमें अलग अलग साइज में अवेलेबल होती है, कुछ 6 से 7 mm की भी होती हैं, कुछ बड़ी भी होती हैं। तो ये हमने अवेलेबल करवाई है, देख सकते हैं दोस्तों, ये पथरी माला है। रेगुलर माला से इसका जो सरफेस है
वो थोड़ा इस तरह से दबा हुआ रहता है, वो गोल नहीं रहता है। पथरी माला की एक ये भी पहचान है कि वो आपको इस तरह से थोड़ा फ्लैट लगेगा साइड में से और पूरा गोल रहता है। और ये जो बीड्स है वो कंपेयर टू अदर काफी सुपीरियर होते हैं, काफी प्रीमियम बीड्स माने जाते हैं। तो गोल्ड या सिल्वर में आप बनाना चाहते हैं 6-7 mm की माला का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप 8 mm की माला का भी प्रयोग कर सकते हैं। 8 mm की माला को हमने गंठन करवाया दोस्तों, तो आप देख सकते हैं दाने जितना प्रीमियम है रेगुलर माला से। इसका वेट भी थोड़ा ज्यादा होता है, 4 से 5 ग्राम पूरी माला का अगर वेट करेंगे तो 4 से 5 ग्राम रेगुलर माला से इसकी वेट जो है वो ज्यादा आता है। तो ये देख सकते हैं आप सुपीरियर बीड्स के अंदर पथरी माला अवेलेबल हो चुका है। इस तरह के इसके बीड आते हैं, देख सकते हैं आप दोस्तों। इसका क्लीनिंग हुआ नहीं है, इसका क्लीनिंग हो गया। इसके अगली आपको कलर वेरिएशन जगह के हिसाब से भी रहेगा, जैसे इंडोनेशिया में अलग अलग जगह से प्राप्त होती है। और ये बहुत ही बेहतरीन पथरी माला देख सकते हैं दोस्तों, सुंदर एकदम। आप दाने का क्वालिटी देखेंगे तब आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि जो मैं दाने की जो बात कर रहा हूँ पथरी माला कैसी होती है। जब आप अगर कोई रुद्राक्ष वेयर कर रहे हैं तो उसके ऊपर की जो सरफेस है वो आपको थोड़ी हार्ड लगेगी, लेकिन ये जो पथरी माला के सरफेस पे आप जैसे टच करेंगे तो आपको फील होगा इसके ऊपर सॉफ्टनेस जैसा है। तो इससे आपको ये आइडिया लग जाता है कि ये पथरी माला, देख सकते दाने कितने सुंदर है दोस्तों, बहुत ब्यूटीफुल है। जितने भी रुद्राक्ष लवर हैं, वो जो रेगुलर रुद्राक्ष यूज कर रहे हैं, उनको आइडिया हो जाएगा कि मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ, कौन से रुद्राक्ष की जो क्वालिटी है जो आपको मैं महसूस करवा रहा हूँ। ये देख सकते हैं कितने फाइन बीड्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पथरी माला में अवेलेबल होते हैं दोस्तों। ये थोड़ा छोटा साइज है, फिर ये उससे बड़ा 8, 8.5, 9 mm के आसपास के दाने हैं। दाने बहुत सुंदर हैं, एकदम सॉफ्ट है, सरफेस बहुत सॉफ्ट होता है। ये पथरी माला की पहचान होती है और इसका जो वेट है वो रेगुलर से ज्यादा होता है। आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन है, एकदम परफेक्टली ये इस तरह से पूरे बीड्स बने हुए। तो ये आप 108 54 बीड्स जाप के लिए गोल्ड में सिल्वर में भी आप यूज कर सकते हैं। ये 7 mm में कुछ गंठन करवाई हुई है, ये भी देख सकते हैं बीड्स दोस्तों, काफी बेहतरीन है पथरी माला के अंदर। तो ये पथरी माला में मैंने सारे ही बताए आपको, पंचमुखी सारे ही पंचमुखी, जितने भी जो ज्यादातर रुद्राक्ष की जो अवेलेबिलिटी है वो 5 मुखी के अंदर रहती है। ओरिजिन में कहूं दोस्तों तो इंडोनेशिया के होते हैं, नेपाल के ये साइज में नहीं आते हैं, बड़े मिलते हैं और वो दिखने में भी आपको काफी डिफरेंस है। मैंने बहुत सारे वीडियोस बताए, उसमें भी आपको आइडिया लग जाएगा कि नेपाली रुद्राक्ष ऑलवेज बिगर होते हैं और उनकी जो सरफेस है, उनकी जो लाइनिंग है बहुत क्लियर होता है कंपेयर टू द इंडोनेशियन। तो आप उससे जजमेंट कर सकते हैं, लेकिन इतना छोटा दाना इंडोनेशियन है वो हमेशा मिलेगा, लेकिन नेपाली कभी नहीं मिलता है। नेपाली के लिए आपको बड़े बीड्स में 12-13 mm 14 mm 15 mm तक जाना पड़ेगा, 12 भी बहुत रेयर केस में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो पंचमुखी प्लैनेट वाइज अगर मैं कहूँ, जुपिटर प्लैनेट रिलेटेड इंडिकेट करते हैं, गुरु ग्रह को बलवान करना चाहते हैं आप पंचमुखी रुद्राक्ष का प्रयोग कर सकते हैं। कैरियर में ग्रोथ चाहते हैं, बूस्टअप चाहते हैं तो आप रुद्राक्ष की माला को धारण करके इससे लाभ ले सकते हैं। जीवन में आप बड़े रुद्राक्ष या बहुत सारे अलग अलग मुखीज पहने या नहीं पहने, लेकिन एक सिंपल माला जरूर धारण करें। अगर आप गोल्ड में या सिल्वर में नहीं कर रहे हैं तो ओनली रुद्राक्ष की माला इस तरह के गंठन के साथ आप धारण करें, पथरी माला हो या नॉर्मल कोई भी माला हो, आपके गले में एक रुद्राक्ष की माला होनी बहुत जरूरी है दोस्तों। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, वेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा और पीस ऑफ माइंड के लिए भी अच्छा है। आप पहने, अपने फ्रेंड्स को पहनाए, अपने फैमिली मेंबर्स को, लेकिन रुद्राक्ष जरूर धारण करवाए। हमारा यही मोटिव रहता है कि वर्ल्ड वाइड जितने भी जो लोग हैं रुद्राक्ष को आप प्रयोग करें। अभी आउट ऑफ इंडिया में बहुत सारा क्लाइंट बेस हमारा हो चुका है ऑलरेडी, और बहुत सारे जो यजमान हैं रुद्राक्ष का प्रयोग करते हैं जो नॉन इंडियन हैं, इंडिया से उनका कोई कनेक्शन नहीं है लेकिन आध्यात्म तरीके से वो इंडिया से जुड़े हैं, अपना हिंदू कल्चर है उसको अपना रहे हैं, वैदिक कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि वो लोग इतना फॉलो कर रहे हैं, रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं, स्टोन धारण कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, पीताम्बर धारण कर रहे हैं। तो अपन हिंदुस्तान में रह के क्यों ना रुद्राक्ष के प्रति आगे बढ़े और रुद्राक्ष को धारण करें। ये महादेव जी का जो आशीर्वाद है, भगवान भोलेनाथ का जो ये प्रसाद हमें मिला है धरती पे, इसका लाभ क्यों ना लें, यही मेरा कहना है दोस्तों। आप सिंगल बहुत सारे वैरायटी आते हैं रुद्राक्ष में, सस्ते महंगे सब तरह के आते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक बहुत एक्सपेंसिव रुद्राक्ष वेयर करना है। आपको देखना है, अपने बजट को भी ध्यान रखना है और एक अच्छा सा रुद्राक्ष अपने गले में धारण कर लेना है, बस इतना ही कहना है दोस्तों। एक अच्छा रुद्राक्ष धारण करके आप आध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़े, अपने जीवन में सांसारिक जीवन में रुद्राक्ष का लाभ लें और अपने जीवन में
उसका और ज्यादा उपयोग करके एक अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसमें जो रुद्राक्ष की मालाएं मैंने बताई आपको, इसमें भी 5 फेस है, जैसे 7, 8, 9 फेस में भी आते हैं। पत्थरी माला में बहुत रेयर होते हैं तो वो पॉसिबिलिटीज नहीं होती, लेकिन आपको सेमी चिकनी वगैरह में 7 मुखी 8 मुखी के मिल जाते हैं। पत्थरी माला ओनली ओनली आपको 5 फेस में ही मिल पाएगी दोस्तों, क्योंकि काफी रेयर होते हैं। एक एक बीट सेलेक्ट करने के बाद ये कॉम्बिनेशन तैयार होता है। कलर वेरिएशन क्यों आएगा, ये इंडोनेशिया में डिफरेंट डिफरेंट जकार्ता का है। ये जो लोकेशन अलग अलग होती है, धरती का जो एक उपजाऊ जमीन होती है वहां पे आप देखेंगे फसल में भी गेहूं की फसल होती है। इंडिया में अलग अलग जगह से अगर गेहूं मंगवाते तो कलर का वेरिएशन आता है, उसी तरह से ये शीड है तो इंडोनेशिया में अलग अलग जगह से रहता है तो कलर वेरिएशन डेफिनेटली आता है। रेड कलर वगैरह जो होते हैं वो केमिकल डाला हुआ रहता है, नेचुरल कलर आपको इस तरह के देखने को मिलेंगे। तो आप कभी भी कोई भी रुद्राक्ष लें वो नेचुरल कलर के साथ लें। दूसरा जो मैंने बताया आपको रुद्राणी, ये रुद्राणी माला मानी जाती है, स्पेशली ये स्त्रियों के लिए है, लेडीज के लिए, फीमेल के लिए। फीमेल अगर 108, 109 धारण करना चाहते हैं, स्पेशली शक्ति को प्रसन्न करने के लिए माता जी को, तो ये रुद्राणी बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। हेल्थ वाइज वेल्थ वाइज बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप रुद्राणी डेफिनेटली धारण कर सकते हैं। आपके घर में माता जी को पहनानी है, आपकी बड़ी बहन को, सिस्टर को, या किसी भी जो फीमेल मेंबर है आपकी फैमिली में वो रुद्राक्ष बड़े नहीं पहनना चाहते हैं, आप एक रुद्राणी माला है उनको आप सिल्वर में या गोल्ड में बना के उनको धारण करवा के इसका लाभ ले सकते हैं। तो ये रुद्राणी में मिल गए, रुद्राक्ष में मिल जाएंगे। इसी तरह से शिव और ये शक्ति का स्वरूप माना जाता है, जैसे ये शिव का स्वरूप है रुद्राक्ष, तो उसी तरह से रुद्राणी शक्ति का स्वरूप है। तो ऐसे तो स्त्रियां और पुरुष कोई भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली जो बड़े रुद्राक्ष नहीं पहन सकते हैं या नहीं पहनना चाहते हैं या नहीं पहन पाते हैं, तो उनके लिए स्पेशली ये लेडीज फीमेल्स के लिए रुद्राणी है। जेंट्स के लिए ऑप्शन है 5 मुखी में, ये छोटे बड़े साइज रहते हैं, आप अपने हिसाब से जैसा कन्वीनियंट है उसके अकॉर्डिंग आप उसको वेयर करके उसका लाभ ले सकते हैं। तो इसी तरह से रुद्राक्ष के विषय में समय समय पर अलग अलग वीडियोस वगैरह बनाते रहेंगे दोस्तों। आप लोगों का प्यार इसी तरह से बस बनाए रखें हमारे साथ, हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप हमें इतना सारा ढेर सारा प्रेम करते हैं और हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। रेगुलर आप जो हमारे वीडियोस हैं उनको आप देख रहे हैं, वॉचिंग कर रहे हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है। और अपने भी जितने भी जो ग्रुप फ्रेंड सर्किल्स हैं उनमें भी ये वीडियोज वगैरह शेयर करते रहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रुद्राक्ष के विषय में जानकारी मिलती रहे। आपका कोई भी कंसर्न हो दोस्तों तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिख रहे हैं उस पर आप टेक्स्ट मैसेज, कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम आपको उस प्रोडक्ट रिलेटेड जानकारी देंगे। आपको जेमस्टोन के विषय में जानकारी चाहिए, स्टोन के विषय में, या कोई भी माला ब्रेसलेट वगैरह चाहिए, तो आपको सारी ही प्रोडक्ट की जानकारी हमारे यहाँ संस्थान से मिल जाएंगी। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, रुद्राक्ष पत्री माला और रुद्राणी माला आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।